दोस्तों, मैं हूँ चुनील आजाद। दोस्तों, ये है TA100 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच और ये है उसका एक हाईवाज प्रो। तो ये TA100 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच के सारे मेन्यू जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सारे मेन्यू को कैसे कंट्रोल करते हैं हाईवाज प्रो ऐप से, कैसे उसको यूज करते हैं और कैसे उसको एक्सेस करते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो में, A to Z गाइड करूंगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आपको, और इस मेन्यू के इस ऐप के अंदर जितने सारे मेन्यूज दिखेंगे आपको, ठीक है, इतनी सारे आपको सब सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक से लेकर Z तक सब कुछ करूंगा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। ओके, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जो है दोस्तों मोबाइल में जाना पड़ेगा और मोबाइल में आपको प्ले स्टोर में जाना है। ओके, प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको ये वाला सर्च करना है, एक हाईवाज प्रो, ठीक है। सर्च करने के बाद में आपको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इंस्टॉल कर रखा हूँ, इसको ओपन करता हूँ, आपको भी ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस नहीं रहेगा, आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है और यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस नहीं रहेगा, आपको यहाँ पे फिर से एग्री कर देना है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। अलाउ कर देने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये स्टेप्स का ऑप्शन आएगा, उसके बाद इधर किलोमीटर KCL कंप्लीट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इधर कितना BP आपका है, ठीक है, कितने स्लिप्स है आपके, सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे सेट का ऑप्शन है, ओके, तो सेट पे आपको क्लिक करना है। सेट पे क्लिक करने के बाद में आपको अपने वॉच को कनेक्ट करना है मोबाइल से। ओके, उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है बाइंड डिवाइस टू एक्सपीरियंस मोर फीचर्स, ठीक है। अगर आपका कनेक्ट रहेगा वॉच, तो यहाँ पे आपका वॉच का नाम शो करेगा। ये कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे नाम लिखा जाएगा TA100 अल्ट्रा, ठीक है। तो पहले कनेक्ट करने के लिए इस वाले एक्सेस में क्लिक करना होगा, ठीक है, इस वाले एरो पे। इस वाले एरो पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सर्कल सर्कल घूमेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको सर्च करेगा अपने वॉच का। तो हमारे वॉच को सर्च कर लिया है TA100 अल्ट्रा। ओके, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सारा स्टेप्स कंप्लीट होगा, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि पहला स्टेप्स कंप्लीट हो गया है, दूसरा स्टेप्स, तीसरा स्टेप्स और फोर्थ स्टेप, सारा स्टेप्स जो है क्लियर हो गया है, ठीक है। तो इस होम वाले सेक्शन मैंने बता दिया, तो सेट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो पॉपअप आया है गो इट का, तो पहले इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको जो है दोस्तों फिर से सेट पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आएगा राइज टू बेक। ओके, सबसे पहला यहाँ पर देखिए हमारा बात जो है कनेक्ट हो गया है, TA100 अल्ट्रा शो कर रहा है। ओके, नेम उसको राइज टू बेक, इसका मतलब ये हुआ जैसे ही आप वॉच को अगर पहन रखे वैसे, ठीक है, तो जैसे ही आप अगर ऐसे करोगे, ठीक है, वॉच को देखोगे तो यहाँ पे टाइम शो कर जाएगा। इसको पहले आपको ऑन कर लेना है, ठीक है, ताकि ये आपका जो है यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम और इन टाइम जो है दे देना है, ठीक है, कब से कब तक हमें गेस्चर ऑन करना है, ठीक है। तो अगर आपका टाइमिंग एंडिंग टाइम रहेगा, मान लिया 12 बजे तक, ठीक है, तो आपका फिर गेस्चर यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 12 बजे तक शो कर दिया है, ठीक है, अब जो है गेस्चर ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, उसके बाद में यहाँ से आपको बैक आना है, यहाँ पे अलार्म लिखा हुआ है, यहाँ पे अलार्म पे सेट करने के लिए आपको यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो भी टाइम चाहिए आपको अलार्म सेट करने के लिए, जैसे मान लें 5:20-30 में हमको सेट करना है सुबह के, तो हमें 5:30 यहाँ पे जाना होगा। और मान लिया आपको मंडे को करना है, तो मंडे को, ट्यूजडे को, ठीक है, सब देखिए हम कलर कर रखे हैं, सैटरडे को करना सैटरडे भी कर दो, संडे को संडे को, ठीक है। उसके बाद में कंफर्म कर देना है, ठीक है, कंफर्म करोगे यहाँ पे आपका अलार्म जो है सेट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इस तरह से और सारे अलार्म जो है आप सेट कर सकते हो। ओके, चलिए अलार्म सीख गया मैंने, ठीक है। उसके बाद है सेकेंडरी रिमाइंडर, इसको आपको ऑन करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है तो ऑन कर दीजिए, बुजुर्ग आदमी नहीं है तो इसको ऑफ रहने दीजिए। तो हम भाई जवान आदमी है तो इसको ऑफ रहने देते हैं। यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन है, जैसे ही फाइंड पे क्लिक करेंगे हमारा बात जो है वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा फाइंड पे क्लिक करते हैं, हमारा बात जो है यहाँ पे वाइब्रेट करने लगेगा, मतलब हमारा बात अगर आस पास में कहीं रखा हुआ है मिल नहीं रहा है, फाइंड पे क्लिक करने के बाद में हमारा बात जो है मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है रिमोट स्वेटर, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे अलाउ मांगेगा, इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है, फिर अलाउ करो, ठीक है, यहाँ पे आपका कैमरा जो है ऑन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कैमरा ऑन हो जाएगा। उसको आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे, तो फोटो जो है आपके मोबाइल से खींच लेगा, ठीक है। तो ये देखिए सेल्फी जो है ले लिया मेरा, ठीक है, अंधेरे में वीडियो शूट हो रहा है तो सेल्फी इस तरह से ले लेता है, ठीक है। तो कैमरा जो इस तरह से वर्क करता है स्मार्ट वॉच का। ओके, तो यहाँ पे रिमोट शटर हो गया, मैसेज पुश का ऑप्शन आया, मैसेज पुश के जाएंगे, यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आता है। अगर आपको व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन चाहिए, लाइन का चाहिए, इंस्टाग्राम पे चाहिए, जैसे कि मान लिया स्मार्ट वॉच है, ऊपर से स्लाइड करेंगे यहाँ पे जिसका जिसका नोटिफिकेशन चाहिए आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको चाहिए व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन चाहिए, जिसको ऑन कर देना है, उसके लिए आपको ओपन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको
सर्च करना होगा आपको हाईवाज प्रो, ठीक है, यह है हाईवाज प्रो, इसको इनेबल कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे अलाउ कर देना है। ओके, अलाउ कर देने के बाद में वापिस आना है, फिर से वापिस आना है। ओके, उसके बाद में व्हाट्सएप को इनेबल कर देना है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप चाहिए, आपको चाहिए इंस्टाग्राम, इसको भी इनेबल कर देना है, ठीक है। ट्विटर का चाहिए, ट्विटर का भी इनेबल कर देना है। फेसबुक का नोटिफिकेशन चाहिए, फेसबुक को भी इनेबल कर देना है, ठीक है। उसके बाद में एसएमएस चाहिए, तो एसएमएस को भी इनेबल कर देना है। कॉल का चाहिए, कॉल भी इनेबल कर देना है, ठीक है। उसी तरह इधर लिंक्डइन है, लिंक्डइन को भी इनेबल कर देना है, ताकि सारे नोटिफिकेशन जो है, सारे मैसेज जो है हमारे वॉच में यहाँ पे आ जाए। ओके, चलिए अब हम वापिस चलते हैं, और यहाँ पे मैसेज पुश का ऑप्शन जो है सब मैंने सीख लिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे है फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आता है काम जब आपके कॉन्टेक्ट इस बात में कॉन्टेक्ट नंबर सेव करने के लिए। अभी यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट नंबर एक भी नहीं है, जब यहाँ पे कॉन्टेक्ट सेव हो जाएगा तो इसमें भी शो करने लगेगा। तो इसके ऊपर क्लिक करना है प्लस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे देखिए एक ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का लिखा हुआ है, यहाँ से आपको इम्पोर्ट कर लेना है अपने गैलरी से, ठीक है। यहाँ से हम साइबर क्राइम का ले लेते हैं, जियो का ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में ओके कर देना है। ओके, उसके बाद में फिर से प्लस पे क्लिक करना है, फिर जाना है ग्रीन वाले आइकन पे, हेलो जियो। इस तरह से अपने कॉन्टेक्ट जो है जितना सारा है कर सकते हैं। उसके बाद में प्लस पे आते हैं, मान लिया हमारे को रिश्तेदार का नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पे अपना रिश्तेदार का ले लेते हैं, पंकज जी का। उसके बाद ओके कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से अपना जो है कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर सकते हैं, हमारे वॉच में कॉन्टेक्ट नंबर ऐड हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं अपने वॉच में, यहाँ पर देखिए सारा नंबर जो है ऐड हो गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम चलते हैं डायल सेटिंग में, ठीक है। यहाँ तक हो गया फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट पे, डायल सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पे आपको डायल देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा देर वेट करता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे फेस वॉचेज मिल जाएगा, आपको जो मर्जी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे अगर चाहिए फेस वॉच चाहिए आपका, अपने डीपी का लगाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टम डायल, ठीक है। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है किसी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है, और अपना इमेज कोई सा भी यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ओके करना है, उसके बाद में यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करोगे आपके पास में आपका फोटो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए अपलोड हो रहा है, हमारे पास में भी अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 100% हो जाने के बाद में आपके पास में जो है ये फोटो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अपलोड हो जाएगा, क्योंकि वॉच में बैटरी नहीं है। ओके, तो चार्ज करने के बाद में वो अपलोड हो जाएगा, मोबाइल में भी बैटरी नहीं है। ओके, आपको बैटरी फुल रखना है। ओके, चलिए तो डायल मैनेजमेंट में आप सीख लिए फेस वॉच को कैसे लगाना है और वॉलपेपर कैसे चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे है रिसेट डिवाइस, अगर आप रिसेट पे करोगे आपका स्मार्ट वॉच जो है रिसेट हो जाएगा। अगर मैं कंफर्म पे क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारा वॉच भी रिसेट हो गया। ओके, उसके बाद में फिर ऑन होगा, फिर ये कनेक्ट लेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए फिर से हमको सेट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से फिर हमको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हमारा बात जो है यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको रिसेट डिवाइस समझ में आया होगा, और रिमूव का ऑप्शन है, अगर रिमूव करेंगे तो हमारा जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा स्मार्ट वॉच हमारे बात से, ठीक है। मान लिया हम रिमूव पे क्लिक करते हैं, कंफर्म पे क्लिक करते हैं, तो जैसे अभी रिसेट हुआ तो उसी तरह अभी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो अभी जो कनेक्ट है उसे कनेक्ट आने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अदर का ऑप्शन है, अदर पे जाओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा वाइब्रेट सेटिंग। अगर आपको वाइब्रेट में रखना है मोबाइल को, तो आपको ऑन करके रखना है। अगर रिंगटोन में चाहिए तो इसको रिंगटोन में रहने देना है, ठीक है। तो हम इसको वाइब्रेट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो डिवाइस अगर डिस्कनेक्टेड रहेगा तो नहीं होगा, अभी देखिए डिवाइस डिस्कनेक्टेड बता रहा है। ओके, आपको हमको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं डिस्कनेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो अभी डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। इसको फिर से हमको इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, अभी कनेक्ट हो रहा है। ओके, तो ये देखिए पूरा कनेक्ट हो गया। ओके, उसके बाद में आपको यहाँ पे अदर पे जाना है। ओके, और यहाँ पे ब्लूटूथ पेयरिंग पे कोटवीट पे क्लिक कर देना है। ओके, फिर अदर पे जाना है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा वाइब्रेट का, देखो यहाँ पे इनेबल हो गया, मैंने इनेबल किया, ठीक है। उससे क्या हुआ, आप क्या स्मार्ट वॉच वाइब्रेट करेगा। ओके, तो उसके बाद में यहाँ पे है ओटीई अपग्रेड, इसका कोई यूज नहीं है। बैकग्राउंड सेटिंग, इसका भी कोई यूज नहीं है, ठीक है। आपको इधर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे होम मैंने बता दिया, सेट बता दिया, अब मोशन आ गया, ठीक है। मोशन में है जैसे आप टॉकिंग, जैसे आप टहल रहे हैं तो वहाँ पर स्टार्ट कर दीजिए, आपका टाइम जो है स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक कीजिए और लॉन्ग स्क्रीन प्रेस कीजिए, आपका सेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए माइंड पे जाते क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखिए हम अपना जो है प्रोफाइल नहीं बनाए हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रोफाइल बना लेना है, तो प्रोफाइल पे जाना है, और यहाँ पे देखिए इस तरह की सारा कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पे अपना सेक्स, एज, हाइट, वेट, टारगेट स्टेप, टारगेट टाइम, स्टैंड टारगेट, ये सब अपना जो है हाइट वगैरह, वेट वगैरह जो है चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर, यूनिट वगैरह, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर से फोटो लगा सकते हैं, आज यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं,
ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है, ठीक है। अगर आपका गूगल अकाउंट है तो गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं, गूगल पे क्लिक करके आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करते हैं, यहाँ पे हम स्किप कर देते हैं, ठीक है, स्किप कर देते हैं, ठीक है, ये स्किप हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से आप जो है लॉगिन कर सकते हैं, और जो पिछला स्टेप था मोशन वाला वो ओके हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से ये सारा इधर फीचर काम करता है, ओके। तो मैंने यहाँ पे होम, सेट, मोशन, माइंड सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, ओके। चलिए अब हम बाद में कुछ देख लेते हैं। तो बाद में अगर इस बटन को प्रेस करते हो तो आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस नजर आता है, ठीक है। अगर इसको आप एक बार प्रेस करोगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। दोबारा करोगे प्रेस, ये वाला ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे से स्लाइड ऊपर करोगे, आपको यहाँ पे दे जाएगा बहुत सारे ऑप्शन। अगर इस पर क्लिक करके रखोगे, ठीक है, तो ये ऑफ हो जाएगा, आपका ब्लूटूथ कॉलिंग नहीं होगा, ठीक है। स्टाइल वन, यहाँ पे जो है स्टाइल वन में, जैसे कि मान लिया अभी अभी जो है ये मेन्यू दिख रहा है, ठीक है, तो अभी आपको अगर मेन्यू चेंज करना है तो स्टाइल यहाँ पे टू कर सकते हो। तो स्टाइल देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है, लिस्टिंग। इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स हैं, इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे म्यूजिक है, म्यूजिक आप यहाँ से सुन सकते हो, ठीक है, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा मोबाइल से, ओके। तो चलिए कनेक्ट तो है मेरा आवाज़, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए टॉर्च दिख रहा है, आप इसको एज ए टॉर्च यूज कर सकते हैं। यह फ्लाइट मोड है और यहाँ पर डो नॉट डिस्टर्ब है, ठीक है। आप फ्लाइट मोड और डो नॉट डिस्टर्ब के बारे में तो जानते ही होंगे, ओके। उसके बाद में यहाँ पे एक बटन दिख रहा है, ये है आपका स्पोर्ट्स मोड। इस पर क्लिक करोगे तो आपका डायरेक्ट स्पोर्ट्स मोड खुल जाएगा। जैसे आप रनिंग कर रहे हैं या बाइक राइडिंग कर रहे हैं या फिर कुछ बास्केटबॉल खेलना कुछ भी कर रहे हैं तो आपका टाइमर यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है। कितने मिनट में आपने अपने रनिंग किया, कितने मिनट अपने बाइक राइडिंग किया, कितने मिनट बास्केटबॉल खेले, फुटबॉल खेले, वॉलीबॉल खेले, टेनिस खेले, कितने देर तक खेले, यहाँ पे स्टॉपवॉच काउंट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे रनिंग पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो है हमारा टाइमिंग ऑन हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको अब जो है ऑन कर सकते हैं, ठीक, और इसको आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है, और लास्ट टाइम आप देख सकते हैं, ओके। उसके बाद में चलिए एक बार हम कॉल करके देख लेते हैं। यहाँ पे करते हैं वैसे 199 करते हैं, कॉल करते हैं नहीं हो रहा है, कॉल नहीं हो रहा है तो आप तो कॉल करने के लिए सबसे पहले स्मार्ट वॉच को यहाँ पे प्रेस करना है और यहाँ पे आपको जो है इस तरह से स्लाइड करना है और यहाँ पे ऑन कर देना है, ठीक है। ब्लूटूथ कॉल इज ऑन, जब तक ब्लूटूथ कॉल ऑन नहीं होगा आपके स्मार्ट वॉच में कॉल नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में आपको मोबाइल में आना है, ब्लूटूथ ऑन करना है, ठीक है। उसका हमें 800 यहाँ दिखेगा, इसको आपको पेयर करना है, ठीक है। जब तक पेयर नहीं होगा कॉल नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए हम पेयर कर लेते हैं, एक बार का ऑप्शन आ गया है, ठीक है, एक बार हम पेयर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पेयर होने वाला है, ठीक है, यहाँ पे एक्टिव आ गया, इसका मतलब हमारा स्मार्ट वॉच जो है एक्टिव हो गया कॉल करने के लिए। अब हम कॉल करके देखते हैं, ठीक है, 199 पे कॉल करते हैं जियो केयर को। अब देखिए यहाँ पे कॉल जो है लग गया है जियो केयर का। अब देखिए इससे आवाज भी, ठीक है, इस तरह से आप जो है कॉल किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉल फीचर देख लिया, फोन भी देख लिया, हार्ट रेट यहाँ से आप माप सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ब्लड ऑक्सीजन, उसके बाद में हेल्थ, ईसीजी, स्पोर्ट्स, कैमरा, कैमरा तो मैंने आपको बता ही दिया, ओके। उसके बाद में म्यूजिक, म्यूजिक अगर सुनना है तो म्यूजिक पे क्लिक करना है, तो अब यहाँ पे म्यूजिक नहीं बजेगा, लेकिन आपको इसके लिए आपको जाना है किस मोबाइल में और आपको यूट्यूब को ओपन करना है, यहाँ से कोई भी सॉन्ग वगैरह आपको सुन लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक बार सॉन्ग सुना देता हूँ, ठीक है, हिंदी सॉन्ग, ठीक है, हिंदी सॉन्ग वॉल्यूम को ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे गाना सुन सकते हैं, ठीक है, चलो ये गाना भी सुन लेते हैं, ठीक है, ये जो है यहाँ से आवाज़ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे म्यूजिक सुन सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, वेदर को देख सकते हैं, ठीक है, और मेन्यू स्टाइल चेंज करते हैं, मैसेज पा सकते हैं, ठीक है, और सारे यहाँ पे QR कोड, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप सब मैंने यहाँ पे इनेबल कर दिया, कैलकुलेटर वगैरह, ठीक है, सारा फीचर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, कुछ और रह गया तो हमें कमेंट करके बताइएगा, वो भी मैं बताऊंगा। वैसे इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, ओके, तो आप कोई भी चीज़ें जो है सर्च कर सकते हैं, हमारे चैनल पर जाकर के भी कर सकते हैं, सारा वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे लेके जेड तक सारा सीरीज पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और वीडियो हेल्पफुल लगा हेल्पफुल लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा, फिर मिलते हैं आपको इसी तरह वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।